कार्ड तो देखा? कार्ड मेरे पास नहीं है। बबीता जी ने तुझे कार्ड नहीं दिया? नहीं। अय्यर भाई? नहीं। अरे पार्टी तो छोड़ो, कार्ड क्या बढ़िया छपाया उसने। तूने देखा कार्ड? दिया है तो देखूंगा ही ना। किसी का कार्ड बार्ड देना हो, रह गया हो तो मुझे बोलना, मैं दे आऊंगा। हमने लिस्ट बनाया था और हमने उस हिसाब से सबको कार्ड दे दिया है, कोई भी बाकी नहीं रह गया। कोई भी बाकी रह गया होगा तो उसको बबीता नहीं बुलाना चाहती होगी। कोई भी बाकी रह गया होगा तो उसको बबीता नहीं बुलाना चाहती होगी। बबीता नहीं बुलाना चाहती होगी। बबीता नहीं बुलाना चाहती होगी। नहीं बुलाना चाहती होगी। अरे वाह यार, सीलिंग तो बहुत खूबसूरत बन गया बांद्रा वर्ली का। ला 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 ला। आइए हो। जेठलाल क्या हुआ, कुछ गड़बड़? बताओ हुआ क्या है? जेठालाल तुम्हारी ये सांकेतिक भाषा मेरे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रही भाई, जरा जुबान से बोलो आखिर हुआ क्या है? बबीता जी की बर्थडे पार्टी का कार्ड मुझे नहीं मिला है। ओहो जेठालाल, इतनी जरा सी बात का इतना बड़ा फसाना। अरे भाई तुम दुकान पे गए होगे, घर पे दया भाभी को दे दिया होगा, पूछो पता करो। नहीं दिया है। अरे कई बार आदमी जल्दबाजी में भूल जाता है, हो सकता है याद आएगा तब दे देंगे। नहीं मेहता साहब, मैं सब बाजू से सब पूछताछ कर चुका हूँ, यहाँ तक कि उनको सामने से याद दिलाने की कोशिश भी कर चुका हूँ, लेकिन मुझे कार्ड नहीं दिया गया है। ओहो तो अब क्या? अगर वो लोग बुलाना नहीं चाहते तो नहीं जाऊंगा। मतलब हमने क्या देखी नहीं क्या ऐसी पार्टी? अरे बबीता जी की टीम का मैं कैप्टन रह चुका हूँ और कैप्टन ही टीम से आउट। लेकिन जेठालाल। नहीं क्या जेठालाल, खत्म है तो सर, बस नहीं जाऊंगा पार्टी में। ठीक है जेठालाल, अगर तुम उस पार्टी में नहीं जाओगे तो फिर मैं जाके क्या करूंगा, मैं भी उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं मतलब सर, मेरी वजह से आप क्यों नहीं जाओगे? आपके पास तो कार्ड भी है, आप जाओ आप जाओ। कार्ड की बात नहीं है भाई, हमारी दोस्ती भी तो कोई चीज़। मतलब सर, आपको उसी दोस्ती की कसम, आप जाओगे, आप पार्टी में जाओगे। एक और दोस्ती की कसम, सोसाइटी में किसी को बताना मत कि मुझे कार्ड नहीं मिला। लेकिन जेठालाल। चुपचाप दूध पी लो वरना मैं गुस्सा करूंगी। चलो दूध पी लो, चलो पी लो। अरे टप्पू के पापा, आप गलती से दुकान जाने के बजाय वापस घर पर ही आ गए। क्या हुआ? क्या हुआ जीजा? बापूजी, बबीता जी ने अपनी बर्थडे पार्टी में पूरी सोसाइटी को बुलाया है, सिर्फ हमें छोड़कर। हे मां, बबीता जी, ये तो हमारा अपमान है। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर तुझे गलत फहमी हुई है। गलत फहमी हुई थी बापूजी कि वो लोग हमें जरूर बुलाएंगे, लेकिन अभी बबीता जी और अय्यर भाई के साथ फोन में बात हुई तो वो गलत फहमी भी दूर हो गई। वो लोग हमें बुलाना ही नहीं चाहते।
लेकिन पापा पूरी टप्पू से ना जाने वाली है और टप्पू नहीं जाएगा तो कैसा लगेगा? तो तू क्या चाहता है? मैं हरिहर भाई के पैर पड़ो क्या भाई? हम रह गए, प्लीज हमको बुलाओ पार्टी में। ए भाई, उसमें टप्पू को क्यों डांट रहा है? अरे नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, उनकी मर्जी। लेकिन बापूजी, पार्टी में सोसाइटी के सभी लोग जाएंगे, कोमल भाभी, भीड़े बहन, रोशन भाभी, अंजलि भाभी, और वो मुझे पूछेंगे कि आप लोग पार्टी में क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मम्मी ऐसा है तो हम 2 दिन के लिए कहीं बारगांव घूमने चले जाते हैं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। बापूजी, हम अभी 1-2 घंटे में निकलते हैं, 2 दिन के लिए लोनावाला चले जाते हैं। लोनावाला? ये वहाँ बारिश में बहुत मजा आएगा। चलो चलो दादाजी, चलो हम सामान पैक कर देते हैं। पापा, मैं बैट बॉल ले लूंगा और वीडियो गेम। अरे अरे आप भी। अरे हाँ भाई, हाँ ले लेना भाई। टप्पू के पापा, मैं सामान पैक कर देती हूँ। सुनो, ज्यादा सामान पैक करने की जरूरत नहीं है, सबके 2-2 जोड़ी कपड़े ले ले बस। तो चूरन ले लेती हूँ। जेठा जी, ये आपका सूट, जैसा आपने कहा था वैसे कमर बड़ी और लंबाई छोटी कर दी है। तो अभी वापस जैसा था वैसा बना दो भाई। क्यों? ये सूट अभी नहीं चाहिए। अरे लेकिन मैं 2 दिन बाद दुकान पे आके सेट को मिलकर जाऊंगा। ठीक है। अरे नट्टू काका को भी बोलना पड़ेगा ना। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नट्टू काका यार। हाँ नट्टू काका। हाँ बोलिए सेठ जी, बोलिए। देखिए, मैं, बापूजी, दया, टप्पू, हम सब जरा 2 दिन के लिए लोनावाला जा रहे हैं, तो आप दुकान जरा संभाल लेना। अरे मगर सेठ जी, बबीता जी की बर्थडे पार्टी और आप लोनावाला जा रहे हैं? अच्छा एक काम कीजिए सेठ जी, अगर आप लोनावाला जा ही रहे हैं तो इन्विटेशन कार्ड मुझे दे दीजिए, तो बर्थडे पार्टी में मैं चला जाऊंगा। कार्ड की तो रामायण है, अगर कार्ड मेरे पास होता तो मैं ही नहीं चला जाता। क्या बोले सेठ जी, मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं, आप दुकान का ध्यान रखना। सॉरी सॉरी जेठा जी, आई एम लेट, चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। नहीं नहीं जूली जी, आई एम सॉरी। क्यों? ओ, थोड़ा प्रोग्राम थोड़ा बदल गया है। मतलब? मतलब वो जो बर्थडे पार्टी में हम लोग डांस करने वाले थे, वो पार्टी अभी कैंसिल हो गई है, तो अभी डांस सीख के कोई फायदा नहीं है। तो फिर मैं दूसरी बार कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुमको ही फोन करूंगा। sure. तुम अपना हिसाब और नटू अंकल के साथ समझ लेना। okay, तो फिर मैं चलूं? हाँ थैंक यू, बहुत बहुत। अरे बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी आपको तकलीफ दे। चलो पोपट पे पोपट, पोपट पे पोपट, सब जगह मेरा पोपट हो रहा है। मम्मी जल्दी चलो। हाय टप्पू। जीठा जी सर देखिए ना, मेरा हैंडीकैम काम नहीं कर रहा है। चलिए। अरे आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ। कहाँ? लोखंडवाला। मम्मी लोखंडवाला नहीं, लोनावाला। क्यों आप लोग मेरी बर्थडे पार्टी में नहीं आ रहे हो? बुलाए बिना कैसे आ सकते हैं? क्यों आप लोगों को मेरा बर्थडे का इनविटेशन कार्ड नहीं मिला? नहीं। अय्यर ने आपको कार्ड नहीं दिया है? बोला ना नहीं। एक मिनट।
हेलो हेलो अय्यर, तुमने जेठा जी को कार्ड नहीं दिया है? बबीता, जेठा लाल को तो तुम कार्ड देने वाली थी ना? नहीं अय्यर, कार्ड तुम देने वाले थे। रिमेम्बर बबीता, देखो मैं आधे कार्ड तुमको दिया था, बीड़े भाभी का, रोजन भाभी का और जेठा लाल का। आधे कार्ड लेकर मैं गया था, याद आया तुमको? ओके चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। लगता है बबीता को सब पता चल गया। दया भाभी, आई एम सो सो सॉरी अबाउट इट। जेठा जी, लगता है हमसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। आई एम सो सॉरी अबाउट इट। हाँ, थैंक गॉड मैं यहाँ पे आ गई, नहीं तो आप लोग तब तक चले गए होते लोनावला। पर ये क्या दया भाभी, आप लोगों को कार्ड नहीं मिला, इसका मतलब आप लोग पार्टी में ही नहीं होंगे। देखा देखा, मैंने इनको कहा था कि बबीता जी तो घर के है, कार्ड नहीं मिला तो क्या हुआ, हम बिना कार्ड के पार्टी में नहीं जा सकते? ऑफ कोर्स जा सकते हैं। हाँ, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। जेठा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। और अगर आपको कार्ड का इतना ही बुरा लगा है तो मैं अब भी घर से आपके लिए कार्ड लेके आती हूँ। नहीं नहीं बबीता जी, अभी कार्ड की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करता है? पूरी सोसाइटी में सबको कार्ड मिला, अब्दुल को भी कार्ड मिला, लेकिन मुझे नहीं मिला तो मुझे बुरा नहीं लगेगा? उसके लिए मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट। चलो ठीक है, जो हो गया सो हो गया। अभी आप सबको मेरी पार्टी में आना है। ओके ओके ओके। और चाचा जी, आपको भी आना है पार्टी में, ठीक है? तो भाई, फिर ये लूना वाले का क्या? बापूजी, अभी साक्षात बबीता जी न्योता देने हमारे घर पे आए, तो लूना वाला कैंसल। हम सब पार्टी में जाएंगे। बबीता जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें? अरे देखो ना, ये ऑन ही नहीं हो रहा है। एक मिनट में देखता हूँ। एक मिनट, ये हो गया ऑन, ये देखो। ओके, एक इधर ये छोटा लाल बटन है, वो कभी गलती से दब जाता है ना तो फिर ऑन नहीं होता है। लगता है ईयर वाइज गलती से दब गया होगा। ये लीजिए, हो गया ऑन। चलो थैंक यू सो मच, मैं शाम को आप लोग को पार्टी में मिलती हूँ, ठीक है? मैं चलती हूँ। शाम को मिलते हैं। ओके, हम लोग आएंगे। बस तो खुश खुश हम खुश। हाँ जीतू भाई, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ। अरे वो आपका आदमी है? हाँ हाँ, वो मैंने वापस भेजा, लेकिन अभी उसको आप तुरंत मेरे घर पे वापस भेज दो। नहीं नहीं, चाहिए चाहिए, सूट चाहिए। सॉरी, वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ, अभी जरा अर्जेंट उसको भेज दो मेरे घर पे। हाँ हाँ, सूट के साथ। हाँ ठीक है, थैंक यू। ये जूली, ओहो, ये आजकल का यंगस्टर लोग फोन में बहुत बिजी रहते हैं। मोटू काका को बोलता हूँ। हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। देखा, लग गया उनको फोन। नटू काका, अरे सेठ जी, लूना वाला पहुंच गए? अरे वो कैंसिल कर दिया जाने का। अच्छा नटू काका सुनो, ओ जूली को मैं फोन लगा रहा हूँ, लेकिन वो कुछ एंगेज आ रहा है। नटू काका अभी के अभी जूली का कांटेक्ट करो और उसको बोलो इधर घर पे आ जाए सिखाने के लिए डांस। हाँ ठीक है, अभी के अभी करो कांटेक्ट, ठीक है? ठीक है सेठ जी। बबीता जी की बर्थडे पार्टी, मजा आ गया। बबीता जी की बर्थडे पार्टी में जाएंगे तो उस खुशी में हो जाए गरबा। नहीं गरबा नहीं, पार्टी में कौन सा डांस करने का है? वेस्टर्न। तो वेस्टर्न डांस करते है, तुझे आता है? नहीं। तो चल, मुझे जितना आता है उतना सिखाता हूँ। अरे इसमें क्या कर रही है? ला तेरा हाथ ला, ये ऐसा ऐसा पंजे से पंजा लड़ा मैं लगा, और ये हाथ है ना इधर इधर कमर पे रख। अरे अरे, बेल्ट नहीं पकड़ने का है, खाली ऐसा कमर इधर ऊपर। अच्छा, कमर छोड़, पकड़ने का नहीं है। ओ जूली को आने दो,
वही सिखाएगी। अच्छा तो तब तक हो जाए गरबा। बाप रे दया तो मैड हो गई मेहता साहब। जेठालाल। हाँ जेठालाल। मेहता साहब। ओहो बर्थडे पार्टी का इनविटेशन मिल गया तुम्हें। अरे अंतर्यामी बाबा आपको कैसे पता चला? अरे भाई तुम्हारी आवाज की खुशी बता रही है। अच्छा मेहता साहब फोन इसलिए किया शाम को साथ में चलेंगे पार्टी में? मैं तो यार ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो मैं ऑफिस से डायरेक्टली पहुँचूंगा वहाँ पार्टी में। हाँ तो ठीक है जैसे आपकी मर्जी है। ठीक है मिलते हैं। स्टार्ट। वन टू वन टू वन टू। अरे टू किधर है? टू फंस गया है। मस्त बढ़िया चाय। अभी क्यों उदास बैठी है तू? मैं बबीता जी की पार्टी में नहीं आ सकती। क्यों अभी क्या हुआ? अरे बबीता जी ना खुद ने हमें पार्टी में आने का न्योता दिया है। हाँ हाँ लेकिन उसी बबीता जी ने बापूजी को भी न्योता दिया है। तो मतलब मैं ये नहीं चाहती कि बापूजी पार्टी में ना आए लेकिन बापूजी के सामने मैं वैसे टन कपड़े पहन के कैसे आ सकती हूँ? अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लीजिए एक मुसीबत और खड़ी हो गई। जेठालाल जाने को बेताब है बबीता की बर्थडे पार्टी में और अब एक ये नई मुसीबत। असल में उस बच्चे की हालत के बारे में सोचिए जो एक एग्जाम देता है और ये सोच के खुशी बनाता है कि एग्जाम पूरा हो गया और इतने में याद आता है कि कल दूसरा एग्जाम है। परीक्षा पे परीक्षा जिंदगी इम्तिहान लेती है और ये इम्तिहान बिल्कुल अभी जेठालाल के सामने है। कई बार मुझे लगता है कि हम लोग रोज कपड़े बदलते हैं और जेठालाल की जिंदगी में मुसीबतें रूप बदल बदल के आती है लेकिन अभी स्थिति ये है कि वो उस जगह जाने को उत्सुक है जिसकी तैयारी कर रहे हैं बड़ी बेताबी से लेकिन जाने पे नई से नई समस्याएं आ रही है। आप भी कहीं जाने को बहुत बेताब हो और आपके इस तरह इम्तिहान होते रहे तो मन बड़ा खराब होता है लेकिन मन खराब मत कीजिए आपके लिए तो हम है ना खूब हंसिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। हेलो दोस्तों आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।